कि बिहार में मूक बधिर सरकार है जो ना देख रही है ना सुन रही है, जो आज तक देश विरोधी हरकतों में शामिल रहे हैं, आज उन्हीं की सरकार है। तो ये राजनीति में अभी नए नए आए हैं, सिर्फ चूड़ी खनकाने का काम कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो कल आ जाएंगे, कल से उनकी कथा की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच इसको लेकर बिहार की सियासत काफ़ी गर्म रही। आरजेडी और वहां गठबंधन के तमाम नेताओं ने उनका विरोध किया। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी। मनीष आनंद जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी आने वाले हैं, लेकिन तेजस्वी यादव माफ़ करिएगा, मनीष आनंद जी धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं, कल से उनकी कथा की शुरुआत है। लेकिन तेज प्रताप यादव ने डीएसएस बना लिया है, लाठी वाली फौज तैयार कर ली है, परेड भी करवा दिया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, तेज प्रताप जी अपना एक डीएसएस करके कोई उग्रवादी संगठन बनाए हैं। उग्रवादी संगठन बना रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि वो खुलेआम टीवी चैनल पे धमकी दे रहे हैं कि हम देख लेंगे। इसकी जिम्मेदारी क्या होगी? अगर कल के डेट में उस स्थान पे कोई घटना घटती है तो क्या उसकी जिम्मेदारी प्रशासन लेगा? प्रशासन लाइव वीडियो फुटेज देख के भी चुपचाप बैठा हुआ, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो आप जिस तरह से तेज प्रताप ने कहा था कि बिहार में पता नहीं है सरकार किसका है, तो आज सामने प्रतीत हो रहा है कि बिहार में मूक बधिर सरकार है जो ना देख रही है ना सुन रही है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि बिहार में सरकार किसकी है। बिहार में सरकार उसकी है जिसके पिताजी ने चारा चोरी करके जानवरों का खाया था, नीतीश जी जिन्होंने जनादेश का चोरी किया, कांग्रेस जिन्होंने देश का खजाना लूटा, लेफ्ट जिन्होंने जब भी कोई आतंकवादी हमला हुआ हमारे देश के सैनिक पैरामिलिट्री फोर्स के लोग शहीद हुए, जश्न मनाते हैं। आपको याद होगा, हम लोग तो सुनते हैं कि जब 1962 का युद्ध हुआ था और सेना को जब खून की आवश्यकता थी तो उस समय इन्हीं लेफ्टिस्टों ने इसका विरोध किया था कि कोई खून दान ना करे। तो आप देख लीजिए कि सरकार में कौन कौन लोग शामिल हैं जो आज तक देश विरोधी हरकतों में शामिल रहे हैं, आज उन्हीं की सरकार है। तो धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर जो विरोध हो रहा है उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या वाकई में कुछ ऐसा होने की संभावना है, आपको लगता है, अंदेशा है इस बात का? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है, जिस तरह से अनुमान बताया जा रहा है कि कम से कम 10 लाख लोग आएंगे जी, उसका 10वां हिस्सा भी इनके पास सेना में नहीं है जो ये तथाकथित संगठन बनाए हैं डीएसएस नाम से जी। 10% भी लोग नहीं है, 10% सेना तो छोड़िए, भविष्य में कभी रैली करेंगे तो उसका 10% इन लोगों के पास भीड़ नहीं जुटेगा, ये क्या कर लेंगे? तो ये बताएं कि आरजी की तरफ से लगातार जो है ब्राह्मणों को भी टारगेट किया जा रहा है। एक वक्त के दिया था कि ब्राह्मण जो है जी, मैं उसी पे आ रहा था, विदेशी सरजमी से आए हैं, उनको वहां चले जाना चाहिए, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जो विदेश से आए हैं, मुगल आए थे, मुगल यहाँ के तो नहीं थे, बाहर से आए थे, तो उनके पक्ष में आप हमेशा खड़े रहते हैं तरह तरह के। ये जो अभी आप तुष्टीकरण कर रहे हैं वो किनके वंशजों के लिए कर रहे हैं आप? जो यहाँ का नागरिक है, अगर ब्राह्मण से आपको इतना ही दिक्कत है तो सबसे पहले जो आप विवाह किए उनकी विवाह तो सफल नहीं रही, लेकिन उनके परिवार में कितने लोगों ने विवाह किया, उस विवाह से नाता तोड़ लीजिए, क्योंकि विवाह तो उनके ब्राह्मणों ने ही कराया होगा, खुद से तो किए नहीं होंगे। तो सबसे पहले वो सारे रिश्ते जो किसी ब्राह्मण द्वारा स्थापित किया गया हो, देवताओं को साक्षी मानकर कराया गया हो, सबसे पहले वो सारे रिश्ते को तोड़ दें। मनोज झा को पार्टी से बाहर निकालें, शिवानंद तिवारी को पार्टी से बाहर निकालें, विदेशियों को क्यों अपने संगठन में जगह देके रखा है जी? आपको क्या लगता है उनके तरफ से, उनका ये कहना है तेज प्रताप या जो नेता इनका विरोध कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री के कथावाचक वो कथा करें, वो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं, नफरत क्यों फैलाते हैं? और ये कहा, अगर नफरत फैलाते हैं तो उनको एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, एयरपोर्ट पर घेर लेंगे, उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन ये सवाल जो पूछा जाता है कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्या उनका आरोप है कथावाचक को ये सब नहीं करना चाहिए? आप एक उदाहरण बताइए जब उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो। इतने दिनों से हम लोग टीवी के माध्यम से उनके कथा को सुन रहे हैं, कब उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया? बुलडोजर चढ़ा देना चाहिए। नहीं नहीं, बुलडोजर किस पे चढ़ा देंगे? मजाक है क्या? अपराधियां तो आपसे संभल नहीं रहे, जिन पे बुलडोजर चलाना चाहिए उनको तो आप संरक्षण दे रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी पत्थर फेंके उन पर बुलडोजर चला दीजिए, उन्हीं बयानों को लेकर के उनका विरोध हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ऐसा बयान अगर यहां देंगे तो फिर उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा।
देखिए धीरेन्द्र शास्त्री ने उदाहरण दिया था जिस तरह से यूपी में उपद्रवियों के खिलाफ अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से जमींदोज की कार्रवाई चल रही है, तो ऐसा सभी को होना चाहिए। आप देखिए कि जब रमजान का पवित्र महीना चल रहा था, अतीक अहमद मारा गया, तो स्टेशन के मस्जिद से क्या नारे लगे, उस पे तो बोलने में इनके मुंह में दही जम गया। सरकार ने क्या कार्रवाई की अभी तक? तो देखिए ये लोग अपनी सुविधा अनुसार राजनीति कर रहे हैं, जिसका तथ्यों से कोई लेना देना नहीं रहा है। तो चलिए अगला सवाल आपसे एक और भी होगा चिराग पासवान को लेकर के, कि पारस जी ने ये कह दिया था, इसमें अलग थोड़ा इश्यू पे आ जाते हैं, कि सेक्रेटरी तो इंदिरा गांधी के पास भी था, उनका क्या हुआ? उसके बाद लगातार विरोध हो रहा है। संजय पासवान ने कह दिया कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। आज राजीव तिवारी ने बाकायदा लेटर लिख दिया है मोदी जी को कि इसकी सीबीआई जाँच हो, पारस जी की मंशा गलत है, वो चाहते हैं चिराग पासवान की हत्या हो जाए। देखिए हिमांशु जी, हम लोग गांव देहात में कहावत सुनते थे, नई नई बहू होती है ना, वो काम कम करती है, चूड़ी ज्यादा खनकाती है। तो ये राजनीति में अभी नए नए आए हैं, सिर्फ चूड़ी खनकाने का काम कर रहे हैं। इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन पार्टी है, इसलिए इनके बातों को सीरियसली लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हमारे साथ आरएलजेपी के प्रदेश प्रवक्ता जो है मनीष आनंद थे, जिन्होंने बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री आने वाले हैं उसको लेकर अपनी बात कही, जो आरजेडी या महागठबंधन की तरफ से जो बयानबाजी हो रही है उसके खिलाफत की, साथ ही साथ जो पारस जी का बयान था उसके बाद राजीव तिवारी ने जो पत्र लिखा उस पर भी अपनी राय रखी। आपको हमारी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें भारत लाइव, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।